नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू में मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ, तो कल के लिए मतलब 20 दिसंबर 2019 के लिए 20 दिसंबर 2019 के लिए मैंने स्टॉक्स चुना है स्क्रीनिंग करके। आप लोग मेरा स्क्रीनिंग वाला वीडियो देख लीजिए कैसे स्क्रीनिंग किया जा सकता है, इसमें क्या क्या है, तभी मैंने ब्रीफली दे दूंगा। तो इसमें मैंने इक्विटी का दिखाऊंगा, स्टॉक्स कमोडिटी का दिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा और फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने रेगुलर निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन, प्रोबेबल डायरेक्शन क्या हो सकता है वो देता हूँ और ये बाय सेल लेवल्स देता हूँ और बहुत सारा चीज़ मेरा चार्ट का सेटअप रहता है और जो आप लोग को प्रॉफिट कम दे सकता है, 90% एक्यूरेसी के ऊपर प्रॉफिट दे सकता है। बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा जो आप लोग को स्टॉक मार्केट से नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप लोग को हेल्प करेगा और आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करना आसान कर देगा। तो ये वीडियो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने ये बाय सेल लेवल कम स्किनर एक फाइल बनाता हूँ और बाय सेल लेवल थ्री एक अलग से फाइल बनाता हूँ। तो ये बाय सेल लेवल्स का स्किनर में मेरा थ्री लेवल्स रहता है, बाय सेल लेवल वन बाय सेल लेवल टू और बाय सेल लेवल थ्री आप लोग कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन और इसमें कुछ इंडिकेटर्स रहता है, वॉलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ईमा का क्रॉसओवर 3, 10, 20, 5, 8, 13 और पिवट पॉइंट, प्राइस, चैनल, बोलिंजर बैंड, इसिमोको क्लाउड, बीडब्ल्यूएपी, टीरोन लेवल, ये सब देख के आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनिंग कर ले सकता है। उसके बाद जो स्टॉक्स मिलेगा उसका बाय सेल लेवल देखेंगे। मैं भी इधर ऐसे करके आप लोग देख सकता है, मैं भी ऐसे करके स्टॉक्स आप लोग को के लिए चुना हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसका आप लोग अभी ये जो फाइल आप लोग को दिखाता हूँ, ये आप लोग एंड ऑफ द डे चार्ट में वेरीफाई भी कर सकता है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये काम करता है क्या, रियली काम करता है, मतलब मिलता है क्या, नहीं है एक्यूरेसी है क्या, नहीं है। और आप लोग भी डेली चार्ट ला, क्योंकि मैंने एंड ऑफ द डाटा लेके काम करता हूँ तो डेली चार्ट में आप लोग को देखना पड़ेगा। तो आप लोग ये सब देख के स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये बाय सेल लेवल थ्री को मैंने अलग से फाइल बनाया है, उसका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दिखा है। अप ट्रेंड में बाय सेल लेवल रहता है, डाउन ट्रेंड में बाय सेल लेवल रहता है। अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप डाउन ट्रेंड और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, वो आप लोग को इधर से मिल जाएगा। और इधर कौन सा लेवल में कौन सा है वो भी आप लोग को दिख जाएगा। और इधर आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है और भी कुछ ईएमए का क्रॉस ओवर देखे 3, 35, 34, 3, 20, 50, 320, 50, 100 ईएमए का क्रॉस ओवर देखे आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं। और इधर बाय सेल लेवल थ्री मैंने फाइल अलग से बनाया है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरा सबसे मोस्ट रिकमेंडेड ये लेवल है। इसमें अलग से फाइल बना है, इसमें 534 का ये मैं क्रॉस ओवर रखा है और प्रीवियस क्लोज का हिसाब से करेंट हाई लो क्लोज कैसा है उसका हिसाब से आप लोग स्क्रीनिंग भी इधर से कर ले सकता है। तो देखते हैं आज का जो स्क्रीनिंग किया हूँ उसका आप लोग को लेवल दिखाता हूँ। देखिए, इसमें जो बाई से लेवल वन है, बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ। सेल का एंट्री लेवल भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ। और मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी आप लोग देख सकता है ताकि इसको कैसे एंट्री ले जा सकता है। सोच लीजिए, मार्केट ऊपर खुला है, इसका कोई भी लेवल का ऊपर खुला है, 210.45 के ऊपर खुला है, लेकिन 210.81 के ऊपर गया नहीं, तो आप लोग इधर एंट्री ले सकता है। ये ऐसे करके आप लोग मतलब जिस लेवल पे एंट्री होगा उसका अगले वाला लेवल को आप लोग देखेंगे, उसका अगले वाला लेवल नज़दीक होगा तो उसमें मत एंट्री लीजिए, अगले वाला लेवल को क्रॉस कीजिए तो उसके बाद एंट्री लीजिए। और अगले वाला लेवल या पीछे वाला लेवल से डिफरेंस आएगा तो आप लोग पीछे वाला लेवल से एंट्री ले सकता है।
आप लोग होप आप लोग ये समझ के आप लोग काम कर सकता है और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर करता है। ये आप लोग को मैंने परफॉर्मेंस वाला वीडियो में दिखाया, रोज ही दिखाता हूँ। आज थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए चार्ट में दिखा नहीं पाया। इसमें बाइस लेवल 2 दिखाया और ये बाइस लेवल 3 है। इसका पिवट पॉइंट आप लोग देख सकता है और प्राइस चैनल भी आप लोग देख रहे हैं। प्राइस चैनल का ऊपर नीचे आप लोग एंट्री हो सकता है। टीरन लेवल भी आप लोग देख सकता है और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा। और ये जो फाइल है मैंने मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा प्रेस सर्विस वीडियो पे प्रेस सर्विस जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ। उसमें आप लोग ज्वाइन होकर आप लोग प्रीटाइल देख सकता है। उसमें आप लोग को पूरा फाइल मिल जाएगा। वो लाइव मार्केट में भी अपडेट होगा, एंड ऑफ द डे भी देता हूँ। आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का नोट कर लीजिए। यह बाइसन लेवल 1 उसका लिंक दिया जाएगा और ये सैम्पल फाइल का भी लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा और भी चीज़ रहेगा और भी लिंक रहेगा, यूट्यूब वीडियो रहेगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। और मैंने कमोडिटी का देखा था हूँ। मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, आप लोग पास करके भी लेवल देख सकते हैं। वैसे लेवल 3 और ये पिवट पॉइंट वाइस चैनल टीरन लेवल ये सब काम पे आता है। ओनली बाइस लेवल आप लोग वो भी है प्राइस चैनल टीरन लेवल आप लोग बाइस लेवल जैसे ही यूज़ कर सकता है। इसको इसका ऊपर नीचे इसका मिड पॉइंट अपर बैंड लोअर बैंड के ऊपर नीचे आप लोग एंट्री ले सकता है। बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रॉफिट देता है। और मैंने कुछ फ्यूचर्स का ऐसे ही दिखा देता हूँ। आप लोग वैसे लेवल 1 ही दिखाता हूँ और ये आप लोग नोट कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है लाइव मार्केट में कैसे काम कर रहा है। और मैंने देखिए जो मैंने तो वैसे लेवल जो का जो परफॉर्मेंस वाला वीडियो दिया था उसमें कल का परफॉर्मेंस दिया था। तो इसमें आज देखिए कमोडिटी मार्केट तो था नहीं, जब वीडियो बना था कमोडिटी मार्केट में बनाने का पॉसिबल नहीं होता है। तो कमोडिटी मार्केट जब बंद हो आप दिखा रहा हूँ, देखिए 4304 के ऊपर कल का बाई का एंट्री लेवल था और सेल का एंट्री लेवल था 4298 में मेरे बाई सेल लेवल 1 में। और बाई सेल लेवल 3 में इसका एंट्री लेवल था 4333 में, बाई का एंट्री लेवल था 4300 में, सेल का एंट्री लेवल था तो 4308 और 4304 और 4333। आप लोग देखिए क्रूड ऑयल में आप लोग एंट्री ले सकते थे। तो क्रूड ऑयल कहाँ पर ओपन हुआ था देख लेते हैं एक बार। देखिए 4324 में ओपन हुआ था, इधर 4334 में ओपन होके ये नीचे आया था। तो उसके बाद आप लोग जब उसके बाद फिर से जब ऊपर गया था तो आप लोग 4333 के ऊपर एंट्री ले सकते थे। और उसके बाद ये 4321 उसके बाद ये नीचे आया था लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया, पाया सपोर्ट में रह गया। उसके बाद ये 4372 तक फेस 4372 तक एकदम आप लोग को प्रॉफिट दिया था। आप लोग 433 में किसी भी जगह पे सूटेबल पॉइंट में आप लोग एंट्री ले सकते थे चार्ट में देख के। इधर देखिए इधर आप लोग एंट्री बनता था एक 4336 है, इधर 4342 एक प्रॉफिट दिया था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन सपोर्ट नहीं देख गया। उसके बाद 4372 तक गया था। आप लोग सोच लीजिए नेक्स्ट वाला एंट्री ले सकते थे, आप लोग किसी सूटेबल पॉइंट में आप लोग एंट्री ले सकते थे। ये 4353 के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे तो तब भी आप लोग को प्रॉफिट में